अगर कोई भी आदमी अफवाह फैलाता है या कोरोना टेस्ट का विरोध करता है उसके टेस्ट चल रहा है लगभग विजिट देने के लिए आए यहाँ पर और आज सुबह से एंटीजन टेस्ट चल रहा है यहाँ पर, तो क्या अपील करेंगे सर इधर की जनता से? आप फादर गरीब नवाज हॉस्पिटल में नेहरू नगर में आज महानगर पालिका की तरफ से स्वैब कलेक्शन कोरोना टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया गया है। मैं सभी नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये कैंप आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सेहत के लिए है, आप आइए और जो भी संशयित रुग्ण है अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट करने एक घंटे, अभी एंटीजन टेक्नोलॉजी आ गई है, एंटीजन टेक्नोलॉजी में एक घंटे में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड आपका अगर निगेटिव होता है तो आप घर जाइए, पॉजिटिव होता है तो आपके पास में नौखंडा कॉलेज है, जामा मस्जिद है, अदर मस्जिद हैं, वहाँ पर आप क्वारंटाइन होने के लिए आपको प्लेस दिया गया है। मैं सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस एरिया के कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए आकर के अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट अनिवार्य है जो कोई भी कोरोना संशयित रुग्ण के संपर्क में आया है। समस्या ये है कि अगर आपने अभी टेस्ट नहीं कराया और स्टार्टिंग में अगर अभी आपको पता नहीं चला देन फिर केसेस सीरियस हो जाते हैं एंड कोरोना में दवाई और वैक्सीन ना होने की वजह से अगर केस सीरियस हो गया तो जान जाने का जोखिम रहता है, खतरा रहता है। तो मैं सभी नागरिकों से उम्मीद करता हूँ, विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अपने जीवन का जोखिम मत लीजिए, कोरोना टेस्ट एक घंटे में करवा करके सुरक्षित रहिए। सर अगर लोग अगर बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं टेस्ट कराते तो कोई सख्त कदम उठाएंगे सर आप? ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, लॉकडाउन तक हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। एंड अगर कोई भी आदमी अफवाह फैलाता है या कोरोना टेस्ट का विरोध करता है उसके विरुद्ध में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये सभी को मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये है सर, सवाल मेरा 40-50 साल का बहुत पुराना अस्पताल है खाजा गरीब नवाज, ये 15,000 से 20,000 की आबादी यहाँ पर, और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी पूरी है नहीं, यहाँ पर ना एक्सरे होता है, ना सोनोग्राफी मशीन है, ना स्टाफ है, तो इसके लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान है क्या आगे? महोदय अभी जो फैसिलिटी दी है सभी नागरिकों से बोलिए पहले इसका लाभ उठाएं एंड उसको भी वो काम भी हम आगे मार्ग में लगाएंगे। पूरा नाम बोलिए ना, एज बोलो आपकी। उनके सामने ले लो हमने तो सर इधर से आइए, थोड़ा बच्ची दे रही सर सैंपल। नगर के है रहवासी, राजा गरीब नवाज अस्पताल में आप कोरोना का टेस्ट करने के लिए आए हैं जी, तो क्या आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे? नौजवान से ये अपील करेंगे देशमुख साहब कि जो नौजवान हैं हमारी उम्र के 40-42 या उससे कम, हम उनसे चाहेंगे कि वो फौरन जो है एंटीजन टेस्ट कराएं जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आती है, आधे पौन घंटे के अंदर, जो भी है उससे ना डरे, इसमें अवेयरनेस की बात है, अवेयर रहें, अपने घर वालों को भी अवेयर करें और जितना हो सकता है टेस्ट करें और सेफ रहें।